हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं बताने जा रही हूँ इडली चाट। इडली चाट के लिए सबसे पहले हमें इडली बनानी होगी, तो उसके लिए हमें चाहिए ये 2 कप मैंने इडली ली है और 2 ही कप मैंने दही ली है। आप इक्वल क्वांटिटी में जिस कप से आप मेजर करेंगे उसी से ही आपने सेम क्वांटिटी में दही लेनी है। दही आपकी गाढ़ी भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है। अगर पतली है तो कोई बात नहीं, उसमें पानी नहीं डलेगा, और अगर गाढ़ी है तो उसमें थोड़ा सा पानी डल जाएगा। तो आपको सेम क्वांटिटी में दही लेनी है, चाहे वो पतली है या गाढ़ी। और उसके लिए हमें थोड़े से ये 5-6 कड़ी पत्ते चाहिए और थोड़ा सा हमें नमक चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसको सूजी को रोस्ट करेंगे। उसके लिए हम ये माइक्रोवेव सेफ डिश ले लेंगे। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून मैंने इसमें तेल डाला है रिफाइंड। अब इसमें हम इसको सबसे पहले हम 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप कढ़ाई में 1 टेबलस्पून रिफाइंड डालिए और उसमें सूजी को ड्राई उसको रोस्ट कर लीजिए। हल्का सा रोस्ट करना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें मैं सूजी डालूंगी और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लूंगी। और अब इसमें ये मैं कड़ी पत्ते तोड़कर डाल दूंगी फ्रेंड्स, और इसको मैं 1 मिनट के लिए फिर से माइक्रोवेव कर लूंगी। इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब ये सूजी बिल्कुल रेडी है हमारी, और अब हम इसको क्या करेंगे, दही के साथ इसको हम इसका मिक्सचर बना लेंगे। तो हम इसके लिए लेते हैं 1 बाउल लेते हैं फ्रेंड्स। अब हम इसमें सूजी डाल देते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें मैं 1 कप के अकॉर्डिंग इसमें 3/4 नमक डलता है, तो मैं ये डाल लेती हूँ। ये 2 कप के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स 1.5 स्पून नमक डलेगा। आप इससे कम खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं। तो मैं इसको मिक्स करके अब इसके अंदर में दही डालूंगी थोड़ी थोड़ी करके। अब ये हम मैंने पूरी दही इसमें डाल दी है और इसको मिक्स करके हम इसको 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, ये हमारी सूजी देखिए कैसे गाढ़ी हो गई है। इसके अंदर हम पानी डालेंगे थोड़ा सा, लगभग आधा कप पानी डल जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स अब ये बहुत है इसमें पानी, हमें इसको और पतला नहीं करना है। अब हम इसमें इनो डालेंगे 1 पैकेट में फ्रेंड्स, लगभग 1 स्पून से थोड़ा ऊपर होता है। तो हम इसमें डालना है 2 टेबल स्पून। इसे फ्रेंड ये थोड़ा सा और डलेगा, लगभग 1.5 पैकेट मैंने डाला है फ्रेंड्स। अब हम इसमें और नहीं डालेंगे। हल्का सा पानी डालेगा,
अब बिल्कुल परफेक्ट है फ्रेंड्स, देखिए। अब हम फ्रेंड्स ये इडली स्टैंड हमने लिए है, आप दूसरे वाले कुकर में जो इडली स्टैंड आपके पास स्टील का होता है उसमें भी आप बना सकते हैं। तो ये मैं माइक्रोवेव के मैंने लिए हैं, अब इसको मैं हल्का हल्का ग्रीस कर लूंगी। अब मैं इसमें ये डाल दूंगी फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं कि पहले ही ये फ्लफी है। आप अपने दूसरे इडली स्टैंड में भी जैसे इडली बनाते हैं वैसे बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये मैंने दोनों में फिल कर लिया है फ्रेंड्स। अब मैं माइक्रोवेव सेफ बाउल लूंगी, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी और फिर मैं इसको अरेंज करूंगी और 5 मिनट के लिए फ्रेंड्स, और मैं 5 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव कर लूंगी इसको। इसको कवर करके 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेते हैं। जब ये बनकर देखिए तैयार हो गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह से हम और भी सारी इडली बना लेंगे। देखिए फ्रेंड बिल्कुल सॉफ्ट आई है, हमारी इडलियाँ बनकर तैयार हैं। अब हम तैयारी करते हैं इडली चाट की, देखिए वैसे सॉफ्ट बनी है। हम इसको कट करेंगे और उसको फ्राई करेंगे। ये हमारी है तवा इडली चाट, ये लगभग हमारी फ्रेंड्स इतने बैटर से 16 इडलियाँ बनी हैं ये। तो आप अपने हिसाब से उसको जितना बनाना चाहें बनाएं और उसको फ्राई करें। अब फ्रेंड्स हम इडली फ्राई करने की तैयारी कर लेते हैं। ये तवा इडली चाट है, इसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने 2 बड़े प्याज काट लिए हैं, 2 टमाटर काट लिए, इसको सीडलेस कर लिया, सीडलेस करके काट लिया है, और ये 4 से 5 चम्मच मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं, फ्रोजन स्वीट कॉर्न है, और ये हरी मिर्च मैंने काट ली है 2 से 3, और ये 8 से 10 हरी कड़ी पत्ते लिए हैं, और मैंने ये शिमला मिर्च को 4 से 5 चम्मच इसको भी काट लिया है, और ये जो मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं इसकी जगह आप दूसरे कॉर्न ले सकते हैं, लेकिन उनको फिर आपको बॉइल करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो और हमें इसके लिए चाहिए, और ये इसके लिए हमें चाहिए सॉस, ये मैंने चिली ग्रीन चिली सॉस और टोमेटो सॉस को मैंने मिक्स कर लिया 2-2 चम्मच, और ये है इमली की सॉस, ये भी 2 चम्मच लिया है मैंने, और ये डेकोरेशन के लिए हमें ये लिया है मैंने भुजिया है, मिक्सचर है ये, इसकी जगह आप सिंपल हल्दीराम की भुजिया भी ले सकते हैं और चने की दाल की अलग से, दोनों मिक्सचर ले सकते हैं, या फिर आप ये इकट्ठा वाला ही मिक्सचर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये मैंने अनार के दाने लिए हैं, ये भी गार्निश करने के लिए लिए हैं, और ये मैंने थोड़ी सी राई ली है 1 चम्मच है, और इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा नमक। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, हम कढ़ाई में घी डाल लेते हैं थोड़ा सा रिफाइंड। कढ़ाई रख ली है गैस पे, नॉनस्टिक लिए ना इसके लिए हमें चाहिए नॉनस्टिक फ्राई पैन या नॉनस्टिक आप कढ़ाई लीजिए फैट बेस वाली, और इसके अंदर मैंने ये 2 टेबलस्पून बड़ा मैंने ये घी डाल लिया है रिफाइंड। अभी इसके लिए फ्लैट बेस की कढ़ाई चाहिए या फ्राई पैन लीजिए फ्लैट बेस का। तो अब हम इसके अंदर में सबसे पहले राई और कड़ी पत्ते डालेंगे, ये राई क्रैकल हो चुकी है फ्रेंड्स, अब इसमें मैं प्याज डालूंगी, हमें हल्का सा ही फ्राई करना है। अब ये प्याज हो गए हैं फ्रेंड्स, अब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे और ये मैं कैप्सिकम डाल दूंगी इसमें, ये 1 से 2 मिनट हम इसको सोते कर लेंगे। ये हो चुके हैं फ्रेंड्स, अब इसमें मैं टमाटर ऐड करूंगी, टमाटर
फिर इसको एक से दो मिनट हम सोते कर लेंगे। अब इसमें मैं स्वीट कॉर्न भी डाल दूंगी फ्रेंड। और इसमें मैं नमक डाल दूंगी। इडली में भी नमक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। और सॉस भी डालेंगी अभी, इसलिए ज्यादा मसाले हम इसमें अभी नहीं डालेंगे। अगर चाहें तो आप रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं। इसमें मैं ये दोनों सॉस डाल दूंगी जो मैंने मिक्स की हुई थी। आप इसमें ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, जो आपकी इच्छा हो तो। और मैं इसमें ये थोड़ी सी इमली की चटनी डाल दूंगी। अभी मैं इसमें ये थोड़ी डालूंगी, ऊपर से फिर और थोड़ी सी डालेंगे हम। अब फ्रेंड्स इसमें मैंने ये इडली को 4 पीस में काट लिया। अगर आपके पास बड़ी इडली है तो आप उसके 6 पीस भी काट सकते हैं। तो इसमें मैं इसको मिक्स कर दूंगी। अब इसमें मैं ये इडली डाल दूंगी। आप चाहें तो इसमें फ्रेंड थोड़ा सा विनेगर भी डाल सकते हैं, नींबू का रस डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं विनेगर डालूंगी और फिर हम गैस बंद कर देंगे। अब हम गैस बंद कर देंगे फ्रेंड्स। इसको ठंडा होने देंगे, फिर हम इसका चाट बनाकर इसको सर्व करेंगे। अब ये फ्रेंड्स बनकर तैयार है। इसको हमने इसमें सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। अब इसको ठंडा होने देंगे 2 से 3 मिनट, फिर हम इसको इस चाट के रूप में इसको सर्व करेंगे। अब फ्रेंड्स इसमें हम ये अनार के दाने डालेंगे। और ये मिक्सचर डालूंगी मैं इसमें। आप प्लेन हल्दीराम की भुजिया भी डाल सकते हैं, और सिंपल जो चने की दाल की भुजिया मिलती है फ्रेंड्स वो भी आप डाल सकते हैं। और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करूंगी। और फिर ऊपर से थोड़ी सी इमली की सॉस। आप इसमें ग्रीन सॉस भी डाल सकते हैं, जो हम घर में ग्रीन चटनी बनाते हैं, धनिया पुदीना की ग्रीन चटनी। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी इस रेसिपी में कुछ भी अगर छूटता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स लिख दिए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स। ये लीजिए बनकर तैयार है। अब इसको ऊपर से अनार के दाने डालकर और हरा धनिया भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, डालकर सर्व कीजिए। लीजिए फ्रेंड्स बनकर तैयार है ये हमारी तवा इडली।